पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन हॉकी टीम ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एथलीट्स को शुभकामनाएं दी है। वीडियो कॉल के जरिए पूरी टीम से प्रधानमंत्री ने संवाद किया है, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉल किया है और अपने इन चैंपियंस को, अपने इन एथलीट्स को शुभकामनाएं दी है। पूरा देश इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई अपनी खुशियां व्यक्त कर रहा है। एथलीट्स के जो परिजन हैं वो, उनका पूरा इलाका, पूरा शहर, उनका गांव इस वक्त इस जीत में उनके साथ खड़ा है। देश में दिवाली जैसा माहौल है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आप जानते हैं हमेशा से स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने हमेशा से एक अलग विजन दिखाया है और उसका नतीजा भी हमको नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक गार्जियन के तौर पर हमेशा एथलीट्स के साथ संवाद किया है, चाहे वो जीत के आए हो, हार के आए हो, बड़ी चीज है जिस एटीट्यूड के साथ हमारे खिलाड़ी, हमारे एथलीट्स ग्राउंड पर उतरते हैं। और आज बड़ा मौका दिया, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल नाम किया और इस खुशी में देखिए सबका मन है इस वक्त, आपका, हमारा, हर एक आमजन का। और प्रधानमंत्री ने भी अपनी खुशियां व्यक्त की हैं वीडियो कॉल के जरिए। प्रधानमंत्री ने अपने एथलीट्स के संग संवाद किया है, जरा वीडियो देखिए। तो आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, इंडियन हॉकी टीम ललित नजर आ रहे होंगे, हरमनप्रीत आपको नजर आ रहे होंगे, श्रीजेश जिन्होंने संन्यास का भी ऐलान किया है और इस जीत को भी टीम ने श्रीजेश को ही समर्पित की है। बहुत खुश, ये मुस्कान बताने के लिए काफी। देखिए एक तो इतनी बड़ी अचीवमेंट, ऊपर से देश के प्रधानमंत्री आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे तो मुस्कान इसी तरीके की होती है। ये मुस्कान बिखेरी है हमारी इंडियन हॉकी टीम ने हर एक चेहरे पर, हर एक भारतीय के चेहरे पर, जो अब तक कहीं ना कहीं मायूसी थी, एक बार फिर से मुस्कान में वो तब्दील हुई है। और जबरदस्त कमाल का प्रदर्शन हॉकी ग्राउंड पर हमारे इन चैंपियंस ने किया है। शुरुआती दौर से बहुत स्ट्रांग इंडियन हॉकी टीम को माना जा रहा था और पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमारी टीम ने देश का नाम रोशन किया था, देश को सेलिब्रेट करने का मौका दिया था। उस बार भी ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोक्यो में भी ब्रॉन्ज और अभी पेरिस ओलंपिक में भी कंसेक्यूटिव जीत यहां पर हमारी टीम ने अर्जित की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट की सेलिब्रेशन में पूरा देश अपनी टीम के साथ है। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, जहां पर भी आप, जो भी मैच आप देख लीजिए, टीम इंडिया कहीं से भी लड़खड़ाती हुई आपको नजर नहीं आएगी। हार जीत अलग पहलू है, हार जीत अलग पहलू है, वो हम सब जानते हैं। कई बार बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से टीम इंडिया ने इस बार प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक 2024 कई मायनों में बहुत खास भी रहा है देश के लिए। सर ये हरमन के पास, सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है जी सर, और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। हमारे से जी साहब कोशिश करती है जी, साथ में ही सर कर लीजिए सर। हेलो सर, यस सर, श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम एकदम बढ़िया सर, कंग्रेचुलेशन सर, बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी यस सर, लेकिन आपको नई टीम तैयार कर रही होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए मैं एक बार तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी
आपके साथ। ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं फैक्ट बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। ऐसा देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई इंजरी नहीं हुई? नहीं नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर, सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू माता की जय सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।